हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेखा नीटिंग। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न मैं लेकर आई हूँ। सिंगल कलर का पैटर्न है, बहुत इजी है बनाने में, बिगनर्स इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है और ये रोंग साइड है। दोनों साइड से ये पैटर्न सुंदर लगता है, तो इसको आप शॉल में, स्टॉल्स में बना सकते हैं और बाकी सभी स्वेटर्स में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, केवल दो सिलाई का पैटर्न है और दो फंदों पर ये पैटर्न हमारा सेट होता है। इसके लिए हमें इवन नंबर में फंदे लेने होंगे और दो सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले आप अपनी पसंद का बॉर्डर बना लें, मैंने ये बनाया है। तो जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट सिलाई बनाई थी, वैसे ही मैं आपको यहाँ से बनाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट स्टिच है, इसको हमने स्लिप कर लिया। उसके बाद दो फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे, एक अभी निकालेंगे नहीं, एक बार फिर इसमें सिलाई डालनी है पीछे से ऐसे, और एक बार फिर इसमें से फंदा निकालना है। तो हमने दो फंदों के दो ही फंदे बना लिए, बस यही है। अब फिर यही रिपीट होगा इस पूरी सिलाई में। फिर ये दो फंदे ऐसे हमें एक बनाना है। उसके बाद ये देखिए, पहले हमने यहां से डाला, अब हम पीछे से डालेंगे सिलाई। ये देखिए, अब यहां से हमने एक फंदा निकाला, थोड़ा सा लूज रखेंगे इन वाले फंदों को। उसके बाद फिर यही करना है, दो फंदे इनको एक साथ ऐसे बुनना है। उसके बाद फिर इसमें पीछे से सिलाई डालनी है ऐसे, एक बार फिर इसमें से फंदा निकालना है। तो दो फंदों के दो ही रहते हैं, अगेन यही करना है, एक और एक बार पीछे से डालेंगे, दो, ऐसे ही ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होनी है। अगर ऐसे आप ऐसे नहीं सिलाई डल रही, तो एक बार इनको ऐसे करके लूज कर सकते हैं फंदों को ऐसे करके, तो फिर इजीली सिलाई डल जाती है। देखिए, एक बार ऐसे पीछे से डालेंगे। ये मैंने इसमें 30 स्टिचेज लिए हैं इवन नंबर में। इसमें ऊन बराबर रहती है, ना ज्यादा लगती ना कम लगती, और इसमें स्टिच भी बराबर ही रहते हैं, लगभग नॉर्मल, ना ये फैलता ना ये सिकुड़ता। ये देखिए, मैं एक बार यहाँ से निकाल रही हूँ और एक बार इसको पीछे से, तो दो फंदों को एक साथ हम बुनते हैं और उसके बाद उसमें से फिर पीछे की साइड से सिलाई डालकर एक फंदा निकालते हैं। ऐसे ही हमारी ये फर्स्ट सिलाई कंप्लीट होती है। ये हमारी सिलाई लगभग पूरी हो चुकी है। ये पैटर्न आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। केवल दो सिलाई का पैटर्न है, शॉर्ट पैटर्न है वो। ये लास्ट रिपीट है। लास्ट स्टिच सीधा बुनेंगे। फर्स्ट वाला स्टिच हमने स्टिच स्लिप किया था, लास्ट वाला हमने सीधा बुना। ये हमारी फर्स्ट रो थी और अब रोंग साइड से सेकंड रो हम बनाएंगे। पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, इसलिए ये बहुत इजी है।
बस यही दो सलाई इसमें बुनी जाती है। एक सलाई में, फर्स्ट सलाई में हम दो फंदों के दो ही फंदे बनाते हैं और दूसरी सिलाई में हम पूरी सिलाई ये उल्टी बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यही दो सिलाई आपको रिपीट करते जाना है, तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से बन के आएगा, बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर मैं आपको दो फंदे बता देती हूँ। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप करेंगे, दो फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई डालेंगे इनमें और इसमें से एक फंदा निकालेंगे। अब ये सिलाई पर ही रहने देंगे और फिर पीछे से सिलाई डालकर एक फंदा और निकालेंगे। तो ये दो के दो ही फंदे बन गए। अगेन हमें यही करना है, दो फंदों का एक बनाना है, अगेन इसी में से एक फंदा और निकालना है पीछे से ऐसे। तो ऐसे करके हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट होती है। ये देखिए, ये हमें पेयर अपने आप चमक रहा है, दो दो फंदों का पेयर है ये देखिए। तो इसमें से ऐसे करके ये दो फंदों का दो ही बनते हैं। तो वैसे इसमें आप बनाइएगा, फर्स्ट सिलाई ऐसे बनती है और उधर से पूरी सिलाई ये उल्टी आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पैटर्न अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।